टू माई चैनल। नमस्ते एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को और आपके घर वालों को। आप लोग ने दिवाली की तो तैयारी कर ली होगी, साफ सफाई भी हो चुकी होगी और घर का डेकोरेशन भी कर लिया होगा। तो मैंने भी अपने घर का साफ सफाई कर लिया है और डेकोरेशन भी कर लिया है, तो उसमें ही हम लोग ने घर का कलर भी कर लिया है। कलरिंग का लॉग मैं अलग से आपको डाल दूंगी, आप लोग जाके उसे भी देख लीजिए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दिवाली के लिए मैंने अपने घर को कैसे डेकोरेट किया है, कैसे मैंने क्या अरेंजमेंट की है, मैं आपको वीडियो में दिखा देती हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट मिनट डेकोरेशन आइडिया मैं आपको आज ये वीडियो में दिखाने वाली हूँ। ये दिवाली मैंने लास्ट मिनट में कलरिंग का काम ले लिया था, इसके लिए मुझे बहुत लेट हो चुका था। सो फ्रेंड्स, कलरिंग होने के बाद सब घर इधर उधर बिखरा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो अरेंजमेंट कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने सब साफ सफाई कर रही हूँ, तो यहाँ ये साफ सफाई होने के बाद मैं सब अरेंज करने वाली थी, तो पहले क्लीनिंग करना स्टार्ट कर लिया था मैंने। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रिल में मैंने पूरा सामान, जब भी हॉल का कलरिंग कर रही थी, थोड़ा थोड़ा जो भी सामान हो रहा था वो मैंने ग्रिल में रख दिया था, मैंने बालकनी में रख दिया था। फिर मैंने सोचा कि चलो इसे भी साफ किया जाए, बिकॉज बालकनी अच्छी दिखनी चाहिए दिवाली के टाइम। अपने बालकनी में इतना गंदगी मैं नहीं देख सकती, तो इसके लिए मैंने इसे भी साफ करने का सोचा। तो अभी मैं इसे भी साफ करके इसको क्लीन कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने पूरा सामान हटा दिया था, पूरा क्लीन कर लिया था। और आप ये ड्रम देख सकते हो, इसे मैंने पेंट किया था पिछले साल, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। फिर उसके बाद जो मेरे टाइल्स नीचे रखे हुए हैं उसके वो मैं कलर कर रही हूँ, वो बहुत गंदे हो गए थे, पूरा मिट्टी मिट्टी लग गया था। तो मैं सोची साफ़ करने से अच्छा उसको कलर कर दिया जाए, क्योंकि मेरा पास थोड़ा कलर बचा हुआ था, तो मैंने उसके ऊपर ही लगा दिया है। तो अभी मेरा ये वाइट अच्छा लग रहा है, पूरा क्लीन लग रहा है। और ये वाला डब्बा मैं साइड में रखने वाली हूँ, उसे यूज़ करूँगी बाद में मैं। छोटी सी बालकनी मेरी ग्रिल कम्प्लीट हो गई है साफ़ करके। अभी ये हॉल का कचरा मैं निकाल लूँगी और उसके बाद मैं उसे डेकोरेट करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मेरा क्लीनिंग कम्प्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, मेरा पूरा रूम का लुक ही चेंज हो गया है। ये कलरिंग का लॉग मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी, आप लोग जाके ज़रूर देखिए उसे। मेरे पेंटिंग में बहुत सारे हैक्स यूज़ किए हैं, बहुत सारे इजी मेथड्स यूज़ किए हैं। अगर आप लोग को वो अच्छा लगे तो वो वाले वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ये वाले वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये वाले दो मटकी मेरे पास पड़ी हुई थी, ये वाला ब्लैक वाला है, वो वाला मटकी ख़राब हो चुका था, उसमें पानी का टेस्ट कुछ अजीब सा आ रहा था, तो मम्मी ने उसे फेंकने के लिए रखा हुआ था। तो अभी इसे मैं रीयूज़ करने वाली हूँ, जो कलर मेरा पास बच गया था गोल्डन कलर का, मैं इसके ऊपर लगा देने वाली हूँ और उसे डेकोरेशन के लिए यूज़ करने वाली हूँ। आप देख सकते हो इसका लुक बहुत ही प्यारा आ रहा था, जब भी मैंने इसे ऊपर जस्ट शेड दिया हुआ था गोल्डन का, इसका लुक ही चेंज हो गया है। तो आप लोग के पास कभी कुछ ऐसे वेस्ट चीज़ें पड़ी हुई होगी तो आप लोग पहले उसे यूज़ करने का सोचिए, फेंकिए मत। तो फ्रेंड्स, जब भी मैं बाकी का डेकोरेशन कर रही थी तो यहाँ पे मेरी मम्मी पापा फूल का माला बना रहे थे दरवाजे के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कर्टन लगा रही हूँ गोल्डन वाला, जो गणपति के लिए यूज़ होता है, तो मैंने इसे डोर पे लगा दिया, इसका लुक बहुत ही अच्छा आ रहा था। और ये वाले पॉट्स मेरे पास पिछले साल के पड़े हुए थे, मैंने इसके ऊपर गोल्ड स्प्रे करके इसे रखा हुआ है, इसे मैं भी यूज़ करने वाली हूँ फिर से। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे की हूँ कि जो मैंने रीयूज़ की हुई है डेकोरेशन के लिए, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने कैसे अपना डेकोरेशन कंप्लीट किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं ये टेबल डेकोरेट करने वाली हूँ, यहाँ पे मैं फूलों का यूज़ करने वाली हूँ। मैंने अपने एंट्रेंस का डेकोरेशन कर लिया है, तो उसका वीडियो मैंने डाल दिया है, अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिए। अगर आपको वो वीडियो भी अच्छी लगी तो उसे भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये वाले वीडियो में मैं सब कुछ जो घर में था उसे ही यूज़ करने वाली हूँ, अदरवाइज मैं जो हैंडमेड की हूँ, मैंने जो अपने हाथों से बनाए हुए उसे ही यूज़ करने वाली हूँ। मैं कुछ और लेके नहीं आई हूँ डेकोरेशन के लिए, मैंने सब अपने घर में जो पड़ा हुआ था उसे ही यूज़ करके मैं अपना डेकोरेशन कम्प्लीट करने वाली हूँ। अगर आप लोग को भी कुछ खर्चा नहीं करना है, अपने घर में जो पड़े हुए चीज़ों से डेकोरेशन करना है, तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिए। अभी आप यहाँ पर मैंने ये स्वैन रखा हुआ है, और ये ट्रे और जो केटली है ये मैंने ही डेकोरेट की हुई है, इसकी लिंक्स मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पे ये वाले पॉट्स मैंने रखे हुए हैं, आप देख सकते हो इसे जो कलर किए थे उसके अंदर मैंने दुर्वा रखी हुई है, और उसे डेकोरेशन में यूज करने वाली हूँ। यह
यहाँ पे मैंने ये जो पॉट कलर किया था उसमें मैंने ये पीकॉक फेदर्स रखे हुए थे, मेरे पास बहुत सारे पीकॉक फेदर्स थे तो मैंने इसमें ये डाल के इसको डेकोरेट कर लिया है। और ये छोटे छोटे फ्लावर्स मेरे पास ऑलरेडी थे तो इसे ही मैं डेकोरेशन में यूज़ कर रही हूँ। मोस्टली क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें अपने घर में ही रहती है और हम लोग को लगता है कि इसका यूज़ नहीं है और हम लोग फेंक देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का आप लोग रीयूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मेरे पास जो गौरी का स्टैंड था गणपति के लिए जो यूज़ होता है गौरी में, तो ये वाला स्टैंड का भी मैंने यूज़ कर लिया है। यहाँ पे मैंने उसके ऊपर फ्लावर्स डेकोरेट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स मेरा डेकोरेशन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अभी मैं लाइटिंग करने वाली हूँ और उसके बाद मैं सब जगह पे दिया रखने वाली हूँ जो मैंने ऑलरेडी कलर करके रखे हुए हैं। ये वाला पॉट भी मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसको भी मैंने रीयूज कर लिया है यहाँ पे। वो वाले पॉट में मैंने डाला हुआ है एक प्लांट और उसे डेकोरेशन में मैंने यूज़ किया है और होम डेको के लिए भी बहुत अच्छा लुक आ रहा है उसमें। और मैंने सारे जगह पे दिए लगा लिए हैं और मेरी छोटी सी बालकनी भी रेडी हो चुकी है, उसे भी मैंने फ्लावर्स से डेकोरेट कर लिया है और सब जगह पे मैंने दिए भी रख लिए हैं। यहाँ पे मैंने ये थर्मोकोल के भी यूज़ कर लिए हैं, इस स्टैंड के हिसाब से मैंने रख दिया है। फ्रेंड्स ये वाला जो डब्बा है उसको मैंने रीयूज़ कर लिया है, उसके ऊपर मैंने कलर लगा लिया है और उसमें मिट्टी डाल के मैंने ये वाले रोलर्स इंसर्ट कर लिए हैं। इसके ऊपर मैंने दिए रखे हुए हैं। ये वाले रोलर्स हम लोग को कुरियर में मोस्टली मिलते हैं, कोई भी ऑर्डर करो या कुछ मंगाओ तो उसमें ये वाले रोलर्स आ जाते हैं, तो मैंने उसे भी यूज़ कर लिया है और सब जगह पर मैंने लाइटिंग एंड फ्लावर्स लगा लिए हैं। सो फ्रेंड्स ये है फाइनल लुक ऑफ माय डेकोरेशन। वीडियो कैसे लगा और मेरे रियूज आइडियाज कैसे लगे आप लोग को, और ये बजट फ्रेंडली वीडियो अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।